मेरे बैक साइड पे अलग का हेरिटेज म्यूजियम है और ये बिल्कुल अलग अलग का बीच के सामने है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आप चार म्यूजियम है, फर्स्ट फॉसिल्स, देन मॉस्क है, कुरान, फिर करेंसी है और उसके बाद फिर कार्स। एंटर होने के साथ कुछ पुरानी गाड़ियाँ रखी हुई नज़र आ रही हैं और अब हम जा रहे हैं फर्स्ट म्यूजियम की साइड, दैट वाज अबाउट द फॉसिल्स। दिस इज़ वेरी नाइस कि आप स्ट्रॉलर भी चला सकते हैं, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेयर्स हैं तो आपको बच्चा गोद में लेके चलना है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है अबाउट द फॉसिल्स, लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड। थोड़ा सा ऊंचा है, डिस्प्ले काफ़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ी सी अगर साथ में डिस्क्रिप्शन होती तो और इंटरेस्टिंग हो सकता था, ताकि आप मतलब राइट नाउ आप खुद ही गैसेस कर लें कि क्या चीज़ है। ये तो टर्टल्स के शेल लग रहे हैं। ओके, इन द सेंटर किसी चीज़ की और उसके साथ कुछ लिखा हुआ है। नाइस, फाइनली सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, दिस इज अ वेल बोन, यहाँ पे थोड़ी सी पॉटरी रखी हुई है। आई थिंक यू कैन नॉट सी फ्रॉम दिस साइड, इट्स बेटर। ऊपर किसी के मछली के जॉ लग रहे हैं, पता नहीं यार उधर ऊपर कौन ले सकता है। नेक्स्ट स्टॉप की तरफ चलते हैं जो के है कुरान म्यूजियम। देखते हैं वहाँ पे क्या रखा है। बड़ी प्यारी सी येलो कलर की गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे, कबाब की खुशबू भी आ रही है ज़बरदस्त। तो नीचे रेस्टोरेंट है, कोई कबाब ट्राई करते हैं वापसी। सबसे बेस्ट पार्ट, क्योंकि हमारे साथ हमेशा स्ट्रॉलर रहता है और हम हमेशा आधी जगहों से इसीलिए भाग जाते हैं क्योंकि हम स्ट्रॉलर नहीं चढ़ा सकते वहाँ पे, लेकिन उन्होंने सब जगह बेहतरीन उसका इंतज़ाम रखा हुआ है कि आप स्ट्रॉलर लेके आए। लेट्स गो इनसाइड। क्या है, खूबसूरत ज़बरदस्त दरवाज़ा बना हुआ है और ये यहाँ से हम चढ़ के भी आए हैं। ये हमारा स्ट्रॉलर पार्क हो गया, लेट्स गो इनसाइड। कुरान के सहीफे हैं, खूबसूरत हैंड राइटिंग है जिसने भी देखे होंगे। बहुत ही अच्छी हालत में महसूस किया। इसके ऊपर भी करना लिखा हुआ ऑलमोस्ट तमाम यूटेंसिल के ऊपर कुछ ना कुछ फॉर्म में कैलीग्राफी हुई हुई है। अच्छा, हम मेरा ख्याल है एंड से देखना शुरू हैं, क्योंकि ये जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं नज़दीकी ट्रेड बैग कर रहे हैं जो पुराने शरीफे रखे हैं और जिस डिटेलिंग से लिखे गए हैं दैट इज़ अमेजिंग। ये मस्जिद है,
थर्ड स्टॉक की तरफ जा रहे हैं जो करेंसीज का। मुझे भी हाइकिंग वाली फीलिंग आ रही। करेंसीज देखते हैं, स्टार्ट कर दिया। सूरत कोई ना इंटीरियर है पूरे सब जगह का। बहरीनी करेंसी 1973 से स्टार्ट हुई है। कनाडा की भी है ना, रियाल है। इट्स नॉट ओनली करेंसीज, कुछ वेपन्स भी हैं। आई कांट सी ओके रिलेटेड। वैसे तो म्यूजियम है लेकिन इंस्टाग्राम में पिक्स के लिए बेहतरीन। डिफरेंट करेंसीज हैं, एक शारजा की थी, एक अजमान की थी, डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज थी पहले। फोर्थ म्यूजियम है वो कार्स का है। अच्छा जी आ गए हैं हम गाड़ियों वाले एरिया में। लेट्स सी। थैंक यू। कोई कह नहीं सकता एंटी के निष्कदर, उनको ज़बरदस्त उसकी मेंटेनेंस हुई है। मतलब 1936 वाव। जगह पे हम बिल्कुल तुक्के में आ गए, मगर लगा कि वाकई वर्थ इट है। एक गाड़ी हम भी ले जाते हैं साथ। उन्होंने पेट्रोल स्टेशन का डमी बनाया नाइस। अच्छा हमें लग रहा था सिर्फ गाड़ियों का है, लेकिन इसमें इधर थोड़ा आगे जाके ये का कैमरा, और देखते हैं क्या है ये। बिल्कुल गाड़ियों की जस्ट बैक पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ रास्ता है, और फिर ये पुराने ज़माने की मज़ीद फ़ोन पंखे कुछ फर्नीचर के पीसेस। ओके वी हैव सम म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो। अच्छा चीज़ें मिक्स ही रखी हैं, कुछ ड्रम काइंड ऑफ चीज़ है। वाह used to have high chair. थोड़ा सा सरप्राइज आ लिया मैंने, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। तो बस जी सफ़र हुआ पूरा, निकलते हैं हम। बड़ी खूबसूरत सी कार्ड बनाई है। कोई फॉरबिडन एरिया लगता है हाइकिंग वाला। दरवाज़ा मौजूद है लेकिन इजाज़त नहीं। वो जगह मिल गई, यहाँ से खुशबू आ रही थी। चले देखते हैं, अब ऑर्डर करते हैं। तो रायता और सलाद आ गया, जिसका था इंतज़ार वो शाहकार आ गया है फाइनली। और खुशबू अभी भी उतनी ही क्लास है जितनी ऊपर आ रही थी। हमें उम्मीद नहीं थी इतना सारा खुशबू आने वाला इसके साथ। थैंक यू। काफी सारे डिड नॉट एक्सपेक्ट, और ये हमने अलग से ऑर्डर नहीं किया। छोटी छोटी डिटेलिंग रेस्टोरेंट करते हैं, ये मुझे बहुत ही पसंद है।
ये अजीबोगरीब सी चीज़ मक्खियाँ उड़ाने के लिए, सो दैट आप अपना गाना बड़े सुकून से इन्जॉय कर सकते हैं और मक्खियाँ उड़ाने का काम ये करेगा। वैसे इतना सक्सेसफुल था नहीं, लेकिन फिर भी नाइस थॉट। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। म्यूज़ियम जो है 2 साल पहले बना है और काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मगर अच्छा है। लाइक विजिट करने के जब आप फुजैरा हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम की पिक्चर्स के लिए तो बहुत ही आला है, जैसे आपके पीछे नज़र आ रहा है। और एक अगर क्यूपिड वाला मसला हो तो ये भी है।